चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो पेपर का नाम पहले याद कर लो। पहला काम है पेपर का नाम, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स, ये आपके पेपर का नाम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। इसीलिए मैं आपको सिलेबस के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ना रहे कि कुछ चीज़ें छूट गया आपका, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। पहला है यहाँ पर यूनिट, पहला फर्स्ट में देखते हैं टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमनक्लेचर, ये आपकी यूनिट्स है। इसमें क्या क्या तैयार करना है ध्यान से देखना। नॉमनक्लेचर तैयार कर लेना, बायनोमियल नॉमनक्लेचर होता है, ठीक है, उसको तैयार करना है। उसके बाद हार्बेरियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बेरियम, इसका फंक्शन, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है। बॉटनिकल गार्डन, तीन क्वेश्चन, ठीक है। और ICN, जिसमें से ICBN आपको तैयार करना है, ठीक। चार क्वेश्चन आपको इस यूनिट से तैयार कर लेना है, इसमें से लॉन्ग भी आ जाएगा और शॉर्ट में भी आ जाएगा, काम खत्म। दूसरी यूनिट में क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फाइलोजेनेटिक दिया है, नेचुरल दिया है और आर्टिफिशियल दिया है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सीरीज तक दिया है, सीरीज तक आपको आर्डर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अप टू सीरीज, ठीक है, केवल सीरीज तक ही तैयार करना है। आर्डर अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं है, समझ गए। उसके बाद यह है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम प्लेनोलॉजी, फ्लेनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तीन पढ़ लेना है। इनकी टैक्सोनॉमी से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। तो एक क्वेश्चन बेंथम हुकर सिस्टम, दूसरा है बेंथम हुकर का सीरीज तक का क्लासिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन दिया है प्लेनोलॉजी, एविडेंसेस, साइटोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको क्या तैयार करना है। फाइलोजेनेटिक में, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में दिया होगा एंग्रल एंड प्रांटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको तैयार कर लो। यानी कि इस फैमिली, इस यूनिट में भी पांच क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद बेंथम हुकर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा फाइलोजेनेटिक, तीन ही क्वेश्चन इनमें आप मेंशन करके चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरी यूनिट में, एकदम कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी यूनिट में दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, कौन कौन सी फैमिली तैयार करना है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला मामला है। तो पहला इसमें ध्यान देना है मालवेसी, दूसरा ध्यान देना है कुकुरबिटेसी, तीसरा है एस्टेरेसी यानी कि कंपोजिटी, चौथा है एपोसाइनेसी और पांचवा है सोलेनेसी, पांच फैमिली इस यूनिट से पढ़ना है, टोटल 15 फैमिली हैं। उसके बाद चौथी यूनिट में आ जाइए, तो इसमें आपको एमरंथेसी, पाइपेब्रेसी, पोएसी और आर्किडेसी कभी कभी आ जाती है, ठीक है। तो चार टोटल 15 में से पांच, चार, नौ फैमिली आपको हर हाल में पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के डिफरेंसेस वगैरह आएंगे। उसके बाद मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी में आ जाते हैं, इसमें क्या है फेनेटिक्स एंड क्लेडिस्टिक्स, ये इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, और है डेंडोग्राम, ठीक है, डेंडोग्राम में क्लेडोग्राम, फेनोग्राम, ये आपको पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं है, बस ये तीन चार क्वेश्चन। टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन GIS बार बार आ चुका है, GIS इम्पोर्टेंट है, और GPS कट गया है, तो अब GPS शायद इस बार नहीं आएगा, ठीक है, GPS को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, GIS ही इम्पोर्टेंट है वजह। फिर दिया है डिजिटल टैक्सोनॉमी, इम्पोर्टेंट है ये, जिसे हम डेल्टा टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस यूनिट से सिर्फ दो इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ सकता है, वैसे यहाँ पर दिया क्वांटिटेटिव फ्री फाइलोजेनेटिक्स सॉफ्टवेयर दिया है, सिर्फ हार्डवेयर का मेंशन नहीं किया है, तो हो सकता है कि हार्डवेयर ना आए इस बार, सिर्फ सॉफ्टवेयर आए, क्योंकि ये नया सिलेबस जो चेंज हुआ था उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ना है,
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सभी कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन और जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन, यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दे दिया गया है, तो मैं भी हो सकता है आ जाए, आप इसको पढ़ना है। कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन और जनरेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ चुका है, ठीक है, इसको पढ़ना है। एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक यूनिट नंबर 8 में आ जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पढ़ना है गार्डन, इनमें से मुगल गार्डन पढ़ लेना है, और फिर है एक आप इंग्लिश गार्डन भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तीन ही गार्डन, इंग्लिश गार्डन, इटालियन गार्डन, मुगल गार्डन एंड जापानी गार्डन, वैसे दो ही गार्डन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर है ग्रीन हाउस क्या होता है, इंडोर गार्डन क्या है, रूफ गार्डन क्या है, बोनसाई क्या है, शॉर्ट नोट आते हैं इस पे शॉर्ट नोट आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ये था आपका वैसे थर्ड सेमेस्टर का लगभग, अब हमने इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा, दोनों ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने बताया, पहले उसको देख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देख करके इसके जितने इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं उनको तैयार कर लेना है, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, इसी से आपका लगभग सब आ जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का ये सिलेबस है, फटाफट सबके पास शेयर कर देना जिससे कि बाकी लोग भी देख लें, बस धन्यवाद।